गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? अच्छे हैं। ये आपकी हिंदी की कक्षा है और हिंदी की कक्षा में आज हम करेंगे भृगु ऋषि की कहानी। ठीक है, तो ये हमारे रीडिंग का चैप्टर है। 2 जून 2021 आज की तिथि है और हम पढ़ने जा रहे हैं भृगु ऋषि। जैसे कि मैंने आपको ऋषि की मात्रा कराई थी तो ऋ की आवाज़ आएगी और ये छोटे सी की तरह पैर में आती है, भ रि गु ग उ गु भृगु ऋषि। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें आपको जितनी अब तक आपने मात्राएं की हैं वो सभी यहाँ पर आ जाएंगी। भ रि भृ ग उ गु भृगु एक महान ऋषि थे। भृगु एक महान ऋषि थे। व ए वे वन में म ए में क उ ट इ य आ कुटिया बना कर बनाकर र है ते त ए ते थ ए थे। वे वन में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया क ए के बाहर अ न ए क अनेक म रि ग मृग ख ए ल त ए खेलते रहते थे। उनकी कुटिया के बाहर अनेक मृग खेलते रहते थे। म रि ग ओ मृगों को त रि न तृण खा न खाना बहुत अच्छा लगता था। मृगों को तृण खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ एक घुड़सवार आया। वह घुड़सवार किसी देश का महान नृप था। वह भृगु ऋषि की प्रशंसा श ऊपर बिंदी सा प्रश स प्रशंसा। अब यहाँ पर बिंदी के लिए आपके छोटी सी न की आवाज़ आती है। प्रशंसा सुनकर स उ न कर सुनकर उनसे मिलने उनकर उनके गरी है गृह पर आया। वह भृगु ऋषि की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने उनके गृह पर आया। नृप नृप का नाम कपिलेश्वर था। भृगु ऋषि ने नृप का आदर सत्कार किया। भृगु ऋषि ने नृप का आदर सत्कार किया। खाने के लिए कंदमूल फल दिए। नृप भृगु के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न था। व्यवहार मतलब कि जो उसने बिहेव किया, उसकी अच्छी आभगत की, तो नृप भृगु के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न था। भृगु ऋषि ने नृप से उनके आने का कारण पूछा। नृप ने बताया कि उसे एक मृग की आवश्यकता मतलब उसे एक मृग चाहिए। मृग मतलब हिरण चाहिए। ऋषि की कुटिया के बाहर वृक्ष के नीचे मृग अटखेलिया कर रहे थे। भृगु ने नृप को उनमें से स ऐसे क ओई कोई भी मृग लेने के लिए कहा। नृप ने एक मृग लिया और भृगु ऋषि के चरण छूकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, दिए गए पार्ट में री वाले शब्दों पर गोला लगाना है।
हमें उ वाले शब्दों पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, जहाँ पर री की मात्रा आ रही है वहाँ आपको क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे भीगू, इसमें ई की मात्रा आ रही है, री की मात्रा आ रही है। ठीक है, इसी तरह ऋषि, और जहाँ ऊ की मात्रा आ रही है ऊ की मात्रा को आपने टिक करना है। ओके, तो ये आपका हो गया भृगु ऋषि की कहानी। अब हम कर रहे थे ए की मात्रा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ए की बड़ी ए की मात्रा, इसकी दो मात्राएं होंगी और ये वर्ण के ऊपर आएंगी, एक ही बिंदु से दोनों निकलेंगी। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बता दिया था इसकी आवाज़ ए की होगी, प ए स आ, प ए प स आ सा, पै सा, प ए र पैर, श ए त आ न शैतान। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, क ए ल आश कैलाश, न ए न ई नैनी, त आल ताल नैनीताल, स ए स र पर गया, नैनी न ए न ई नैनी, झ ईल झील, त एर तैर, कर कर पार कर गया, नैनी झील तैर कर पार कर गया, क ए के ल आ ला श कैलाश ने, ड क एत डकैत देखा, डकैत पर ढेला, ढ ए ढेला ढेला मारा, ड क एत डकैत, क एद कैद, ख आ न ए खाने कैद खाने गया, क ए के ल आ ला श कैलाश, स ए स न ई नी क सैनिक कैलाश सैनिक बन गया, उ स ए उसे सरकार ने, बहुत बहुत, प ए पै स ए से पैसे दिए, कैलाश सैनिक बनकर भैया से मिलने गया। ठीक है, ये आपकी बड़ी ए की मात्रा हो गई। इसमें आपको करना है, सबसे पहले अभ्यास में पढ़ो और समझो आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर छोटी ए की मात्रा और बड़ी ए की मात्रा, बेर ब ए बे र, ब ए बै र बैर, बेर बैर, मेल मैल, मेला मैला, बेल बैल। ए की मात्रा और बड़ी ए की मात्रा आपको समझाई गई है, और वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना ये आपका होमवर्क है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, चित्रों को देखकर नाम पूरे करो। अब यहाँ पे देखिए ब बैल बना हुआ है, आपको बैल पूरा करना है, ये कमल, ये ताला और ये जूता। ठीक है, जूते। ओके, चलिए फिर आज हम करते हैं ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा। छोटे ओ की मात्रा जैसे कि ओ, ठीक है, आपका मुंह ओ बोलता है, ओ की आवाज़ आती है, और ये कैसी होती है, ये एक डंडे के ऊपर एक मात्रा होती है, और इसकी आवाज़ मैं बता चुकी हूँ, ओ की आवाज़ आएगी। जैसे ल जमा ओ, ल ओ लो, ट आ टा लो टा, ढ ओ ढो, ल क लक ढो लक। ठीक है, तो यही ऐसे ही न ओ ट नोट, ये आपको पढ़ना है, म ओर मोर, त ओ त आ तोता, ग ओ ट ई गोटी, र ओ ट ई रोटी, स ओ ह न सोहन, च ओ र चोर, स म ओ मो, स आ सा, स मो सा, छ ओ छो टा, ट आ टा, म ओ ट आ मोटा, र ओ ह न रोहन, क ओ को, पशु पशु पक्षी से बहुत लगाव था, उसने एक, छ ओ ट आ, छ ओ छो टा सा, चिड़िया घर बनाया था, एक दिन उसके मित्र उसके घर पर आए, र ओ रो ह न हन, रो हन ने, सब क ओ सबको, अपना छोटा सा चिड़िया घर दिखाया।
रोहन के मित्र त ओ तो ता तोता, मोर म ओ मो र मोर, म ए मैं न आ मैना, और अ ओर और, क ओयल कोयल, देखकर खुश हुए। मोर ने उन सबको अपना नाच दिखाया। सभी द ओ दो स्त स त दोस्त खुश हुए। यह आपकी ओ की मात्रा, इसमें आपको मोकिंग में पहले ये पढ़ने की कोशिश करनी है। त ओ तो त आ ता तोता, ख र खर, ग ओ गो श खरगोश, टोकरी घोड़ा, कोयल गोल, मनोज शोभा। इसके बाद आपको क्या करना है, चित्रों को देखकर ओ की मात्रा लगाओ। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स है, त और त दिखा है, यहाँ पे आपको छोटे ओ की मात्रा लगानी है। त ओ त आ तोता, क ओ यल कोयल, ट ओ क र ई टोकरी। ये बीच में ओ की मात्रा ये मैंने लगाई हुई है, ठीक है। आपको यहाँ पर छोटी ओ छोटे ओ की मात्रा लगानी है। आगे देखिए, चित्रों को देखकर पक्षियों के नाम लिखो। तोता, मोर और कोयल, ये आपका होमवर्क हो गया। अब इसके साथ ही आपको क्या करना है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। खर गोश, जैसे आपको पता ही है, ये जोड़ने हैं आपको। ख जमा र जमा ग जमा ओ जमा श, खरगोश। ये आपका खरगोश हो जाएगा। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। चित्रों को देखकर जानवरों के नाम लिखने हैं। गाय, शेर, लोमड़ी, भालू, घोड़ा और खरगोश, ठीक है। ये आपको करना है। अब इसके साथ ही मैं बड़े ओ की मात्रा के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि आपने छोटे ओ की मात्रा की है, वैसे ही बड़े ओ की, छोटे ओ की छोटी आवाज़ आएगी ओ, और बड़े ओ की ओ थोड़ी लंबी आवाज़ आएगी। और ये भी डंडे के ऊपर, वो एक मात्रा होती है छोटे ओ की, और बड़े ओ की दो मात्राएँ निकलती हैं, ठीक है। जैसे क ओ को, अ आ आ, को आ, हम थोड़ा सा जोर डालते हैं जहाँ पर बड़े ओ की मात्रा आती है, और जहाँ पर छोटे ओ की मात्रा आती है वहाँ पे हम थोड़ा जल्दी बोल देते हैं। जैसे न ओ नो, क आ का, नो का, देखिए थोड़ा सा लंबा खींचते हैं हम। अगर हम घोड़ा बोलते हैं, घ ओ घो, ड आ घो डा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा थोड़ी जल्दी बोल जाती है, जल्दी आवाज़ आती है। और ऐसे ही यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा थोड़ा सा लंबा बोलते हैं इसमें हम। द ओ दो, ड आ अड़ा, दोड़ा। म ओ मो, स ई सी, मोसी। प ओ पो, ध आ धा, पौधा। च ओ चो, क ई की, चौकी। न ओ नो, क आ का, नौका। त ओ तो, ल ई ली, य आ या, तो ली या, तोलिया। प क ओ पको, ड आ अड़ा, पकोड़ा। फ ओ ज फोज, ह थ ओ थो, ह थो ड़ा, हथोड़ा। च ओ क आ चौका, ठीक है। तो आप ऐसे ही आपको यहाँ से पढ़ना है, और ये आपकी ओ की मात्रा हो जाएगी, बड़े ओ की मात्रा, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। ओके।